दैनिक सवेरा च तुहाडा स्वागत है। मैं भावना, खबर की शुरुआत करते इस खबर तो। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी कैबिनेट दा विस्तार किया जा रहा है। इस नवी वजारत विच अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, राजकुमार वेरका, गुरकीरत कोटली, संगत सिंह गिलजिया, राणा गुरजीत सिंह, प्रगट सिंह अते काका रणदीप सिंह शामिल ने। इस मौके राजभवन विच होए समागम विच गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भी नवे मंत्रियों नूं सौं चुकाई। इस सौं चुक समागम विच कांग्रेस दे कई सीनियर आगू शामिल होए। मुख्यमंत्री चन्नी दी वजारत विच 7 नवे चेहरियां नूं शामिल कीता गया है, जबकि कैप्टन तड़े दे 5 मंत्रियों नूं बाहर दा रस्ता विखाया गया है। मंत्री मंडल विच पुराने नावां विच ब्रह्महिंद्रा, विजेंद्र सिंगला, मनप्रीत सिंह बादल, भारत भूषण आचू, रजिया सुल्ताना, त्रिपत रजिंदर बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया अते अरुणा चौधरी शामिल ने। अगली खबर वल वधदे हां। कल 27 सितंबर नूं किसान जथेबंदियां वल्लों भारत बंद दा ऐलान कीता गया है। कल दे भारत बंद नूं सफल बनाउण लई किसानां वल्लों हर तरह दी कोशिश कीती जा रही है। जानकारी मुताबिक इह बंद सब तों वड्डा भारत बंद होवेगा। भारत बंद दा समां सवेरे 6 बजे तों शुरू हो के शाम 4 बजे तक रहेगा। कल पूरे देश दे विच किसानां वल्लों जोरदार तरीके नाल प्रदर्शन कीता जाएगा। सड़क आवाजाई पूरी तरह नाल ठप रहेगी। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे कई ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਸੀਜਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ आप सब साथियों को ये कह रहा हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत भर में मुकम्मल बंद करने का कॉल दिया गया है। आप सब साथियों को यह जानकारी है कि पिछले 10 महीने से हम भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी लेने के लिए बैठे हैं। और लगातार इस 10 महीने में मोदी सरकार ने हमसे जनवरी तक तो बात की, उसके बाद मोदी सरकार एकदम चुप है। आंदोलन पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा बनने के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और हमने अपने इस आंदोलन को बॉर्डर्स के ऊपर मजबूत करने के लिए और उत्तर प्रदेश में एक बकायदा आंदोलन के रूप में यूपी मिशन के नाम से हमने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है, ताजो यूपी में आंदोलन पंजाब और हरियाणा की तरह ही जनता को अपनी एकदम उसमें ले आए, बाल में ले आए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे एक तरफ पूरे किसान संगठनों के साथ मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं सब संगठन साथ हैं, ऐसे ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दलों ने भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दे दिया है और मैं आशा करता हूं कि यह शांतमयी बंद कामयाब होगा। इसमें पूरा रोड जाम, रेलवे जाम, बाजार बंद, मंडी बंद और पूरे जो सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, साथ ही जितने भी एम्बुलेंस या सेहत की सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट को जाने वाले जो यात्री हैं जिनके पास एयर टिकट होंगे उनको इस बंद से छूट होगी। अदरवाइज इसमें पूरा जो भारत है कंप्लीट बंद रहेगा। आपको अपील है कि आप भी उस दिन अपने घरों से बाहर मत आए और आंदोलन में हिस्सा लेते हुए, बंद में हिस्सा लेते हुए इस आंदोलन को का साथ दें और अपने देश के अन्नदाता का, किसानों का साथ दें, ताजो ये आंदोलन अपने 3 कानून रद्द करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेने के बाद कामयाब हो सके।
अगली खबर है साडी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी कैबिनेट दे आज होने वाले विस्तार तो पहला पंजाब कांग्रेस विच एक बार फिर सियासी हंगामा हो गया। दरअसल चन्नी कैबिनेट विच आज 7 नवे चेहरे समेत 15 मंत्रियों ने सौ चुकनी है। इन्होंने 7 चेहरे विच विधायक राणा गुरजीत सिंह का नाम भी शामिल है। राणा गुरजीत सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजारत विच भी मंत्री रह चुके ने। उस समय राणा गुरजीत का नाम रेत माफिया विच आया सी, जिस कारण उन्होंने मंत्री अहुदे तो इस्तीफा देना पिया। हुण मुड़ चन्नी वजारत विच विधायक राणा गुरजीत सिंह नूं मंत्री बनाए जाण ते विवाद छिड़ गया है। उन्होंने अपने साथियों ने विधायक राणा गुरजीत सिंह विरुद्ध मोर्चा खोल दिता। दुआबा के 7 विधायकों ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक पत्र लिखा है, जिस विच उन्होंने मंग की कि राणा गुरजीत सिंह नूं मंत्री मंडल विच शामिल ना किया जाए। विधायकों का कहना है कि भ्रिष्टाचार के दोषा कारण उन्होंने कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। दस दिए कि पत्र लिखण वालिया विच पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान महिंदर सिंह केपी सुल्तानपुर तो विधायक नवतेज सिंह चीमा, फगवाड़ा तो विधायक बलविंदर सिंह धारीवाल, जलंधर नॉर्थ तो विधायक बाबा हैनरी चब्बेवाल तो विधायक डॉक्टर राजकुमार, शाम चौरासी तो पवन आदिया अते पुलथ तो सुखपाल खैरा शामिल ने। पंजाब के साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने अजे प्रेस वार्ता करके उन्होंने मंत्री अहुदे तो हटाए जाने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि सानू जलील करके बाहर कढ़न की की लोड़ सी, फांसी देने तो पहला भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि असी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल आखिरी समय तक डटे रहे, मैनू जिहड़ी भी जिम्मेवारी दिती उन्होंने ईमानदारी नाल पूरी की। उन्होंने हाईकमान को सवाल पूछा कि साडा की कसूर है। दस दिए कि बलबीर सिद्धू ने हाईकमान को एक चिट्ठी लिखी, अपनी नाराजगी जाहिर की है। नाल ही उन्होंने फतेह किट अते वैक्सीन स्कैम नूं लैके भी वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि इस बारे मेरे कोलों कुछ भी नहीं पता, सारे फैसले साबका चीफ सैकटरी विनी महाजन वालों ले गए। दस दिए कि पंजाब सरकार च नवी कैबिनेट की घोषणा की गई है। कुछ पुराने मंत्रियों नूं बाहर का रस्ता विखा दिता गया है, जिस विच बलबीर सिद्धू का नाम भी शामिल है। साहब चन्नी साहब नाल कोई इतराज नहीं, मैं सिर्फ अपनी हाईकमांड नूं हाईकमांड मां वर्गा रोल प्ले करती है ये पुछना चाहते हैं भी मेरा की कसूर से कि जोड़ा मैं इस मिनिस्टर को बाहर किया गया। आ मेरा क्वेश्चन है, जे कोई है जो तो क्यों है तो वह मैं दस दिता जाए। थैंक यू। मैं तो यही हाईकमांड को पूछना चाहना मेरा कसूर की सी, जो कोई मेरा कसूर है तो मैं पूछ लैन, मैं जवाब देऊंगा। सिद्धू साहब एक आम चलती है क्योंकि जिन्हें परफॉर्मेंस रही वधिया रही आके और केवल तुसी उन्होंने मंत्रियों से सीधे जिन्हों के ऊपर किंतु परंतु करना बड़ा मुश्किल से आके, लेकिन उन्होंने विच से तुसी ना तो कहीं सिद्धू के खिलाफ बयान दिता ना तुसी ऊपर कुछ भी किसी प्रकार। मैं तो जी सोनिया गांधी का सिपाही हाँ, न्यूट्रल रहने के बावजूद सिद्धू साहब ये तो क्यों हो गया? बाजवा साहब मैं सोनिया गांधी का सिपाही हाँ, मैं अपने वालों कुछ नहीं कहना, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हाँ, मेरी थर्ड जनरेशन इस पार्टी के होगी, पहली नहीं है थर्ड है, मेरे मामा के काले पानी जल कट्टी तो मैं मेरा फादर अच सा ये हाल होगा भावुक हो गए बहुत बाकी बहुत नहीं। बाजवा साहब 30 साल में अपनी जवानी के लेखे लाए इस पार्टी वास्ते। दूजी गल सीवेज इनकुआरी मैं चली, 4.5 घंटे मैं टॉर्चर किया गया क्योंकि पार्टी का एमएलए इस करके अज मैं इंसाफ मंगता, मैं इंसाफ देन मेरा कसूर है। कसूर की है मैं कहना भी किसी बंदे तलोजी किसी बंदे फांसी सजा दी जाती है ओदी भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, सानू पूछ लेंदे। मैनू एक गल फिर सुन लो, मैं ये कहना चाहना जे सानू 10 दिन पहला कहंदे भी तुसी असी नवे बंदे लियाउणे आ भी तुसी रिजाइन कर दो, मैं पहला बंदा हुंदा ये आ फड़ो जी रिजाइन, मैनू कोई इतराज नहीं। सीधी जी गल आ मैं अपना बिना बेझिझक हो के जिहड़ी अज मेरे इलाके दे लोकां दी निराशा हैगी आ मैनू उहदा दुख है। मैनू अपनी सुनो अपनी मिनिस्ट्री दा भोरा मलाल नहीं, मैनू भोरा दुख नहीं, और मैं बिल्कुल ये गल कहनी चाहना कि मैं इस तरह भी मैं पावर का भुखा नहीं हाँ।
जो मैं पावर च नहीं भी सीगा हूँ मिनिस्टर बनया मैं पिछले 28 साल तो सेवा करता आ रहा मेरे इलाके के प्राइमरी स्कूल के बच्चों जाकर पूछ लो बलबीर सिंह सिद्धू कौन तो कह फलाना बंदा क्यों उन्होंने पता से भी जे सानू जर्सियां मिलनिया ने सियाल शूज मिलने ने जां वर्दी मिलनी है तो बलबीर सिद्धू देनी है जे किताबां बलबीर सिद्धू देनिया ने। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हुक्म मालवे दे किसानां दीआं शिकायतां मिलन तों बाद दित्ते ने दसण जो कि पंजाब दा मालवा खेतर नरमे दी काश्त विच मोहरी मन्या जांदा है। इस बार सूबा सरकार नूं इत्थे गुलाबी सूंडी दे हमले बारे लगातार शिकायतां मिल रहीआं ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहला फसलां ते होए नुकसान नूं रोकिया जाएगा उस तों बाद विशेष गिरदावरी की जाएगी अते फसलां दे होए नुकसान दा मुआवजा दिता जाएगा। सरकार किसानों के नाल खड़ी है ते हर मुआवजा भी दिता जाएगा हर भरपाई की जाएगी। पहला टोटल ऐसी पेस्टिसाइड फटाफट भेज रहे हैं ताकि बीमारी है यदा इलाज किया जा सके। पहला इलाज वाल बढ़ा उस तो बाद अगले अगले है कि जो मुआवजा आएगा वो किसान नू जाएगा सीधा बिच बचाले कुछ नहीं होना। ये कोई पुरानी सरकार नहीं है, ठीक है, ये एक आम आदमी लोगों की सरकार है। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। उन्होंने सुखपाल सिंह दे वड्डे भरा नाथ सिंह नूं नियुक्ति पत्र सौंपिया। इस नाल ही उन्होंने सुखपाल सिंह दे घर बैठ के खाना भी खाधा जिस दी तस्वीरां भी सामने आईआं ने। हुण तक दीआं खास खबरां वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल ते जांदे जांदे नज़र मारदे आं अज दीआं खास खबरां ते। कल 27 सितंबर नूं भारत बंद रह सकदा, सड़क आवाजाई पूरी तरह नाल ठप, जोरदार तरीके नाल किसान करनगे प्रदर्शन, देशवासियों नूं साथ देण दी कीती अपील। पंजाब कांग्रेस विच इक वार फिर सियासी हंगामा, राणा गुरजीत दे मंत्री मंडल च शामिल होण ते साथी विधायकां ने कीता विरोध। बलबीर सिद्धू ने भी भावुक होके कहा मेरा की कसूर, मैनूं कैबिनेट तों कीता बाहर। मुख्यमंत्री दी हो रही बल्ले बल्ले, बठिंडा च गुलाबी सुंडी हमले नाल नुकसानी फसल दा लिया जायजा, किसानी अंदोलन च शहीद होए मजदूर दे घर खाधा खाना।